मनीष भट्ट, फिर आपने पूछे छे क्या फ्री फ्री आपीने तमे अर्थव्यवस्थाने खराब नथी करता। सर मनीष जी का ऐसा प्रश्न है कि ये फ्री फ्री वाली आप जो बात बोल रहे हैं उससे अर्थव्यवस्था खराब नहीं होगी। मनीष जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी तक तो 27 साल में गुजरात की भाजपा सरकार ने कुछ भी फ्री नहीं दिया, कुछ भी फ्री नहीं दिया, फिर गुजरात के ऊपर 3.5 लाख करोड़ का कर्जा कैसे चढ़ गया? फिर तो अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए थी, उन्होंने तो कुछ भी फ्री नहीं दिया। इस और दिल्ली के अंदर हम सारी चीजें फ्री दे रहे हैं, बिजली मुफ्त है, पानी मुफ्त है, शिक्षा मुफ्त है, दवाइयां मुफ्त है, इलाज मुफ्त है, महिलाओं के लिए बस का किराया मुफ्त है, उसके बाद भी दिल्ली के अंदर कोई कर्जा नहीं है दिल्ली सरकार पे, और दिल्ली सरकार घाटे में नहीं चल रही, फायदे में चल रही है। तो फ्री देने से अर्थव्यवस्था खराब नहीं होती। गुजरात की अर्थव्यवस्था क्यों खराब है? क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। मेरे को पता चला है एक एमएलए ऐसे हैं जो सरकार में आने के पहले 2,000 रुपये महीने की नौकरी करते थे, आज 20,000 करोड़ के मालिक हैं। एक और एमएलए ऐसे हैं जो जिनके पास चुनाव के पहले 4 एकड़ जमीन थी, आज 1,000 एकड़ जमीन है। इस वजह से अर्थव्यवस्था खराब है। दिल्ली में हमारी ईमानदार सरकार है, इस वजह से अर्थव्यवस्था अच्छी है। तो फ्री देने से अर्थव्यवस्था खराब नहीं होती, भ्रष्टाचार करने से अर्थव्यवस्था खराब होती है। ईमानदार पार्टी लेके आइए, सारी सुविधाएं मिलेगी। सरकार अगर अपने नागरिकों को सुविधाएं दे और फ्री में सुविधाएं दे, इसको फ्री की रेवड़ी नहीं बोलते, इसको सरकार की जिम्मेदारी बोलते हैं, नागरिकों का हक बोलते हैं।